देयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इम्प्लीकेशन्स ऑफ अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनिक्वेलिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सोसाइटीज हम सस्टेनेबल सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं वो जो फ्यूचर में जो यंग लर्नर है जो आज हमारे पास सीख के गया है और वो जो हमारे पास आने वाले 2030, 2035 मुमकिन है 2040 जो सोसाइटी का हम एक आइडिया लेके चल रहे हैं और उस सोसाइटी के आइडिया के साथ आज का जो बच्चा हमारे पास है जिसको हम तीन साल से ट्रेनिंग ई ई की ट्रेनिंग से शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर हम अपनी जो इम्प्लीकेशन है उसको हम देखना चाहते हैं उसके ऊपर हमारी जा रही है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है छोटा बच्चा आमतौर पे आप जो कहते हैं उससे कम लर्न करता है लेकिन आप जो करते हैं उससे ज़्यादा लर्न करते हैं क्योंकि आमतौर पे ये आम सा मुहावरा हैं हम आम, आम सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं बच्चा नकाल होता है उसकी वजह ये है कि शुरू शुरू में वो आपको देखकर जो है वो सीखता है चाहे वो लैंग्वेज हो कोई एक्शन हो कोई काम परफॉर्म करना हो कोई स्किल्स हो यानी आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं तो आपके जहन में जो बात आएगी जो आप एक्ट करेंगे छोटा बच्चा वो चाहे स्टूडेंट की हैसियत है या आपका बेटा या बेटी की सूरत में है आप पेरेंट्स हैं मदर फादर हैं तो अब वो आपका बेटा है या बेटी है वो आपको कॉपी करेगा आप टीचर हैं स्कूल के अंदर आप जिस किस्म का एक्शन स्टूडेंट के साथ करेंगे अपने कुलीग के साथ करेंगे वो उसको ऑब्जर्व करेगा और उसको कॉपी करेगा आप देखें इसका मतलब ये हुआ कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसके असरात आपके बच्चों पर ज़्यादा मुरतब होते हैं बनस्बत इसके जो हम उनको बताते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उनको अवेयरनेस देने के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम जो एक्ट करें हैं वो जो अवेयरनेस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी एक्शन की जरूरत है मैं अगर फर्ज करें उसके एग्जाम्पल देंगे हम जो डेली लाइफ के अंदर जो हमारी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं और उसके अंदर हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा गोल है कि जी हमने पानी को सेव करना है फॉर फ्यूचर अब यहाँ पे यह बात छोटी सी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि मैंने अपने बच्चों को अगर ये अवेयरनेस दे दी और उनको ये बता दिया मैं उसी एग्जांपल को एक दफ़ा फिर हम इससे ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हमने बच्चे को यह बता दिया कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए आने वाले वक्तों में हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको हमें कितना पानी चाहिए हमारे जो पानी की शॉर्टेज है वो कहाँ असर कहां असरअंदाज हो सकती है हमारे ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकती है हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे अंदाज़ हो सकती है ये तो हमने उसको नॉलेज दिया अब इस नॉलेज के साथ अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मैंने खुद प्रैक्टिस नहीं किया उसे तो उसके साथ कम मुरतब हूँ उसने जो लर्न करना है वो जो मैंने उसको बताया है नॉलेज दिया है उसको प्रैक्टिस के साथ जब हमने अलाइन करना है तो फिर उसने लर्न करना है अदरवाइज उसने लर्न नहीं करना उसका लर्निंग प्रोसेस इतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर मैं उतनी ही एहतियात से पानी को इस्तेमाल करता हूँ मैं उनके सामने जब मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं उसकी वेस्टेज का ख्याल रखता हूँ मैं उतना पानी डालता हूँ जितनी मुझे जरूरत है तब तो आप देखें एक गोल की हमने एग्जाम्पल ली और वो पानी की तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने जो प्रैक्टिस किया स्कूल के अंदर टीचर ने जो प्रैक्टिस किया घर के अंदर फैमिली ने जो प्रैक्टिस किया सोसाइटी के अंदर लोगों ने जो प्रैक्टिस किया बुनियादी तौर पर बच्चे ने वहाँ से सीखा है अब हमारे पास आमतौर पर होता क्या है कि हमने इससे पहले भी बात की थी और दोबारा हम बात करना चाहते हैं कि तीन हमारे पिलर हैं सोसाइटी है और सोशल सस्टेनेबिलिटी है अभी ये तीनों जो कंसर्न है इन तीनों का चाहे हम सोशल की बात करें कल्चर की बात करें या पॉलिटिकल इश्यूज की बात करें इन तीनों के अंदर जो है हमारे बच्चे की जो इफेक्टिव लर्निंग है उसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे एक्शन के साथ है हमारे मैं उसके इस तरीके से उस बात को वाजे करना चाहता हूँ हमारे कॉल ऑफ फेल में जितना कम तजाद होगा बच्चे के असरा ज़्यादा मुरतब होंगे और वो उसको ज़्यादा अडोप्ट करेगा और वो सस्टेनेबल सोसाइटी का जो हम ख्वाब देख के चल रहे हैं वो उतनी ज़्यादा लर्निंग को सस्टेन करेगा